हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इस लेक्चर में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं मैट्रिसेस आव्यूह के बारे में, जिसका हमारा आज सिक्स्थ लेक्चर है। मैट्रिसेस का हमारा आज सिक्स्थ लेक्चर है। मैट्रिक्स एनसीईआरटी 12th क्लास की जो बुक है स्टूडेंट्स, उसका थर्ड चैप्टर है आज इसका हमारा लेक्चर नंबर सिक्स है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे फिफ्थ। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स क्या किया था हमने, वहाँ पे हमने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन में हमने देखा था कि एडिशन जो है वो कर्म विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है, एडिशन जो है वो साचरिता गुणधर्म का पालन करता है, परंतु एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की या घटाव की भी प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पर देखी थी। एडिशन की भांति स्टूडेंट्स जो सब्ट्रैक्शन या घटाव जो है वो क्या नहीं करता, जैसे एडिशन हमारे पास क्या था, जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी, एडिशन क्या था, मैट्रिसेस योग हमारे पास कर्म विनिमय था, मैट्रिसेस योग कर्म विनिमय भी होता है और सहचारी भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, परंतु क्या स्टूडेंट्स, एडिशन की भांति अंतर या सब्ट्रैक्शन, अंतर सब्ट्रैक्शन या घटाओ, सब्ट्रैक्शन या घटाओ मतलब योग है, सब्ट्रैक्शन या घटाओ, माइनस जो है वो क्या नहीं होता, कर्म विनिमय भी नहीं होता और साचर्यता गुणधर्म का पालन भी नहीं करता। साचर्यता गुणधर्म क्या था स्टूडेंट्स, योग के लिए था हमारे पास तीन मैट्रिसेज होती है साचर्यता गुणधर्म के लिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी। तो इसी तरह क्या स्टूडेंट्स, एडिशन साचर्यता गुणधर्म का पालन करता है, परंतु सब्ट्रैक्शन घटाओ जो है वो साचर्यता गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसमें जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स के अदिश गुणनफल की या एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, या आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स, या अदिश राशि है के, फर्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम या स्टूडेंट, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, थ्योरम का प्रोमेंट पेपर में आता नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है आपको याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि के कोई स्केलर क्वांटिटी है, के कोई स्केलर या कॉन्स्टेंट वैल्यू है कोई, के कोई स्केलर, के इज एनी स्केलर क्वांटिटी या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है कोई, जैसे के का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट वैल्यू है, तथा ए और बी, ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेज, और टू क्या है, मैट्रिसेज है, देन के ए तथा बी के यो को बंट, ए तथा मैट्रिसेस ए और बी के एडिशन का बंटन करता है, मतलब इनके योग को बांटता है के, अर्थात अगर हमारे पास के है, अंदर है ए प्लस बी, हमें पता है कि मैट्रिसेस ए इनका स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप क्या होता है, एम इंटू एन क्रम की हो, बी इक्वल टू हमने मान लिया बी आई जे एम इंटू एन, एडिशन हमने पढ़ लिया मैट्रिसेस का, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी है, कुछ गुणन की प्रॉपर्टीज़ अब भी हमने देखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे के कोई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो के इनके योग का क्या करेगा, बंटन करेगा। ये फर्स्ट छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बेसिक बातें हैं स्टूडेंट्स, ये हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। आगे अगर हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन स्केलर क्वांटिटी की, या प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन की पहली प्रॉपर्टी है कि के कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू तथा ए और बी हमारे पास क्या हो, ए और बी हमारे पास दो आव्यूह हो, मैट्रिक्स हो, तब इनके योग का जो कांस्टेंट या स्केलर राशि है वो क्या करेगी, बंटन करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में जैसे के और एल है दो, इज एनी
इज एनी टू स्केलर क्वांटिटी एंड ए इज ए मैट्रिक्स। ए क्या ले लिया हमने, कोई मैट्रिक्स ले लिया। देन तब देन के प्लस एल अगर इनटू ए है तो स्केलर क्वांटिटी के योग का जो है वो ए मैट्रिक्स ए क्या करेगा, बंटन करेगा। इसको हम लिख सकते हैं के इनटू ए प्लस एल इनटू ए, ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है जो क्या करनी है आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे एडिशन मतलब जो हमारे पास ये वाला होता है, जैसे हमारे पास माइनस के इनटू ए है तो के को हम बाहर निकाल लें, माइनस ए अंदर ले लें, या फिर जैसे के ए है आगे पीछे भी लिख दिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो ये छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जो आपको बुक से पढ़नी है, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हो। जैसे माइनस वन इंटू ए, ये बेसिक सी बात है, माइनस वन इंटू ए है तो इसको हम माइनस ए भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट जो आपको कहाँ से पढ़नी है, बुक से पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स छोटे छोटे। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है। दो मैट्रिसेस दे रखी है या क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे है सरल करना है, सरल कीजिए। एग्जांपल है स्टूडेंट्स को, ये एग्जांपल है जो भी है, तीन नंबर एग्जांपल दे रखा है। सरल करना है, सॉल्व इट, सरल करना है स्टूडेंट्स। दे रखा है सेक थीटा है बार, सेक थीटा अंदर हमारे पास सेक थीटा बार है, अंदर सेक थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा मैट्रिसेज है। फिर योग का साइन है बार, फिर है स्टूडेंट टेन थीटा, बार है टेन थीटा, अंदर है हमारे पास माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। इन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, कितना आएगा, सोल्व करना है इसको। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये बार क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर प्रॉपर्टी है बार, तो बार जो भी वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लिकेशन है। हमने प्रॉपर्टी देखी थी स्टूडेंट्स, क्या देखी थी, सॉल्यूशन देखी इसका, सॉल्यूशन। क्योंकि यदि के इंटू ए है, ए हमारे पास कोई टू इंटू टू क्रम की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो के इंटू ए है, जैसे ए बी सी डी ये है टू इंटू टू क्रम की मैट्रिक्स है, तो के का जो मल्टीप्लिकेशन है इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, के ए के बी के सी और के डी होता है स्टूडेंट। सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग दोनों का सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ चारों के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस टेन थीटा का सभी के साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इम्प्लाइज लिख लेते हैं दोबारा, सेक थीटा अंदर है सेक थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस टेन थीटा बार है, अंदर है हमारे पास माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, फिर है सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे स्टूडेंट, सेक थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा, मल्टीप्लीकेशन तो करना आता है, सेक स्क्वेयर थीटा। फिर ये वाला सेक थीटा इंटू ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये वाला माइनस का साइन है वो ही सेक थीटा इंटू टेन थीटा बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये सेक थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा, एडिशन का साइन है, टेन थीटा का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ऊपर वाला बनेगा माइनस का टेन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि टेन थीटा की पावर एक है और पावर एक है, और मल्टीप्लीकेशन में जो होती है स्टूडेंट्स वो क्या है, घातें जुड़ती है, जुड़ती है स्टूडेंट्स। तो टेन थीटा की पावर वन है, टेन थीटा की पावर वन है तो टेन स्क्वेयर थीटा। अब ये माइनस का साइन सेक थीटा है इंटू टेन थीटा, फिर टेन थीटा इंटू नीचे वाला टेन थीटा इंटू सेक थीटा, फिर माइनस का साइन टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये टू इंटू टू क्रम की दो मैट्रिसेज है, वैसे टू इंटू टू क्रम की हम लेके चले थे, टू टू क्रम की हमारे पास है,
तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एडिशन करना। एड का मतलब होता है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, या मैट्रिसेस योग की परिभाषा से इधर लिखेंगे नीचे मैट्रिसेस, मैट्रिक्स योग की परिभाषा से, मैट्रिक्स योग की परिभाषा से। तो मैट्रिक्स योग की डेफिनेशन लगा लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा प्लस का साइन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आगे आ जाएगा हमारा नई मैट्रिसेस बनेगी, sec स्क्वायर थीटा पहले का एलिमेंट है पहले मैट्रिसेस का, सेकंड मैट्रिसेस का एलिमेंट है माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो प्लस का साइन लगाएंगे माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर sec थीटा tan थीटा प्लस का साइन, तो इधर आएगा आगे वाला एलिमेंट है sec थीटा tan थीटा प्लस का साइन, अंदर वाला एलिमेंट क्या है माइनस का sec थीटा और tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस का sec थीटा tan थीटा और ये वाला प्लस का tan थीटा sec थीटा, तो पहले माइनस का sec थीटा tan थीटा, फिर प्लस का है tan थीटा sec थीटा, tan थीटा और sec थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा है प्लस माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये वाला है sec स्क्वायर थीटा प्लस अंदर माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया, सोल्व करके लिखेंगे इसको, ये है sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये वाला sec थीटा tan थीटा पॉजिटिव स्टूडेंट और ये वाला नेगेटिव, तो इससे कट जाएगा, ये वाला नेगेटिव sec थीटा tan थीटा और ये वाला पॉजिटिव तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे जीरो इधर जीरो, तो ये वाला जीरो और ये वाला भी जीरो, ये वाला है sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से वन इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन रख लें इधर, वन रख लेंगे इधर, वन रख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1001। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया सोल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का हमारे पास मान आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन तो आपको करनी है और कैलकुलेशन आपको करनी आती भी होगी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले क्वेश्चन की 11th क्लास में भी की है और 10th में भी की है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे वाला जो क्वेश्चन है उधर दो मैट्रिसेस दे रखी है ए और बी, एक में उनका एडिशन दे रखा है एक में दे रखा है उनका सब्ट्रैक्शन। यदि a माइनस बी और a प्लस बी का मान ज्ञात दे रखा है तो a तथा b ज्ञात करना है। आगे वाला स्टूडेंट से एक और करवा देते हैं इसमें, यदि a प्लस बी बराबर मैट्रिसेस दे रखा है 5038, ये दे रखा है 5038। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला दे रखा है, तथा दूसरा दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट 4004, ये वाला दे रखा है। वैसे ऑब्वियस वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो इस हमारी जो 12th क्लास की बुक है उसका सबसे सिंपल टॉपिक है, तो ज्ञात करना स्टूडेंट्स, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका इजी सा है, क्योंकि a प्लस बी बराबर हमारे पास है 5038। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड a माइनस बी बराबर हमारे पास है, वो इक्वेशंस की तरह इनको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, a प्लस बी बराबर 5038 है और a माइनस बी बराबर हमारे पास है 4004। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको a का मान पहले इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, फिर इनको क्या कर लेंगे घटा लेंगे, या पहले क्या कर लेंगे जोड़ने पर। ठीक है स्टूडेंट, जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला इससे कट गया, इधर 1a और 1a कितना हो गया स्टूडेंट 2a, जोड़ रहे हैं ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गया ये 2a इक्वल टू, ये वाला इसमें ऐड करना है तो अलग अलग लिख लेते हैं पहले 5038 करना स्टूडेंट्स ऐड ए, वैसे भी आप ऐड कर सकते हो, एक बार इसको रखा a प्लस बी ए माइनस बी कर्म विनिमयता गुणधर्म लेके ऐसे ऐसे आपको सोल्व करके इसको बड़ा कर सकते हो, परंतु ऐसे इजी रहता है, तो a प्लस बी का जो मान है वो ये वाला, a माइनस बी का मान है ये वाला, एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, तो
तो टू ए, ए और ए कितना हो गया स्टूडेंट्स, टू ए, 5038 प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये एलिमेंट इसमें ऐड, ये मैट्रिक्स है वो इसमें ऐड होगी, तो यहाँ से आ जाएगा 4004। अब यहाँ पे टू ए इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, दो मैट्रिसेस, ये भी 2×2 क्रम की है, ये भी 2×2 क्रम की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, अलग अलग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 5+4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9, 0+0 कितना हो जाएगा 0, 3+0 कितना 3, 8+4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, ये वाला आ गया हमारे पास है 2A, 2A, तो A बराबर आ जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल का साइन है तो आगे लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा, मतलब इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में एक है तो इधर आएगा 1/2, और क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/2, 9, 0, 3, 12। अब 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर है तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाएगा इसका, तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 × 9, फिर 1/2 × 0, फिर 1/2 × 3, 1/2 × 3, फिर 1/2 × 12, 1/2 × 12, तो 2×6=12, ये 0 हो जाएगा, ये 9/2, ये 3/2, तो इसका जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास है 9/2, ये वाला 0, ये वाला 3/2 और ये वाला 6, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये वाला आ गया हमारे पास है ए का मान, जोड़ा इनको तब ए का मान आ गया। अब पुनः, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुनः ए इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास है, या ए प्लस बी का जो मान है वो वाला है हमारे पास है 5038, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक है ए माइनस बी का मान, वो क्या स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का मान हमारे पास है 4004, ये है 4004, 2×2 क्रम की है, दो समीकरण है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है, वही फर्स्ट सेकंड है स्टूडेंट, ठीक है। अब की बार क्या कर लेंगे, घटाने पर वैसे ही जैसे समीकरणों को हम घटाते हैं तब साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, मतलब ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव पूरी तो ये क्या होगी, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाली टर्म कट गई, अब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ से आ गया 1b है और ये भी 1b है तो ये हो गया 2b इक्वल टू, अब ये नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है 5038 किसका साइन आएगा स्टूडेंट्स, वैसे घटाने पर तो नेगेटिव साइन आएगा, 12 जाएगा 4004, वो जैसे एडिशन किया है प्रत्येक एलिमेंट्स, अब प्रत्येक एलिमेंट्स है वो इस मैट्रिक्स को इसमें से घटा, इसको इसमें से ये वाला घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 2b इक्वल टू हमारे पास 5-4 कितना आएगा स्टूडेंट्स 1, 0-0, 0, 3-0, 3, 8-4, 4, तो ये वाला आ गया हमारे पास 2b का मान, तो यहाँ से 2b इक्वल टू आया है 1034 आया स्टूडेंट्स ये वाला, तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा, मतलब 1/2 आगे आ जाएगा, 2b इक्वल टू पूरा मान है तो b इक्वल टू आ गया 1/2 आगे, तो ये आ जाएगा 1034, 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो b बराबर आ जाएगा 1/2, 0×1/2, 0, 3/2 ये आ जाएगा 4/2 मतलब 2, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2, 0, 3/2, 2, ये मान आ गया b का। तो इस तरह से क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चंस को सोल्व करके हमें मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हमें दो मैट्रिसेस का योग दे रखा हो, वैसे ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं, जब एक्सरसाइज करेंगे 3b तब उसमें भी वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है वो है स्टूडेंट्स आव्यूह का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत जगह काम में आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आव्यूह का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है या मैट्रिक्स का गुणा जो होता है उसके लिए कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स,
जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेज है ए और बी, तो हमें ए बी का गुणा करना है, तो गुणन के लिए उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी, एक कंडीशन अप्लाई होगी। आगे वाला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अव्यव का गुणन, अव्यव का गुणन। ये वाली स्टूडेंट्स हमारी, आगे वाला टॉपिक है हमारा अव्यव का गुणन। कोई भी स्टूडेंट दो अव्यव दे रखी हो हमें, जैसे पहली है हमारे पास ए बराबर है ए आई जे, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मानना दो मैट्रिक्स या दो अव्यव, ठीक है स्टूडेंट्स। अव्यव ए है ये वाला, और बी मान लिया बी इक्वल टू बी आई जे, ये वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 × 2 करम, 3 × 3 करम, वैसे हम ले लेंगे इनको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, कि पहली मैट्रिक्स के तो स्तंभों की संख्या, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया ये 2 × 3 क्रम का है, तो ये वाली दो पंक्तियाँ तीन स्तंभ है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब भी उनका मल्टीप्लीकेशन संभव होगा। जैसे पहली मैट्रिक्स है, इसका क्रम है 2 × 3, तो इसका हमने ले लिया 3 × 3, 3 × 3 क्रम का मैट्रिक्स है, तभी इनका क्या संभव होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन संभव होगा। तो पहली मैट्रिक्स जो है उसके स्तंभों की संख्या, स्तंभ है उसके, तथा दूसरी मैट्रिक्स जो है उसके पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन संभव होगा। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका क्रम होगा 2 × 3, 2 × 3 क्रम की हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि दो मैट्रिसेज का गुणन तभी संभव होगा जब पहली मैट्रिसेज के स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिसेज के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तथा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो क्रम होगा वो पहली की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोई मैट्रिक्स, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 × 2 क्रम की, दो मैट्रिसेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स इजीली। जैसे क्वेश्चन ही मान लिया, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कोई, जैसे 2 × 2 क्रम का हमने लिया 3 2 5 1 है, ए बराबर हमारे पास है 3 2 5 1, ये 2 × 2 क्रम का स्टूडेंट्स। तो आगे वाला जो मैट्रिक्स हम लेंगे, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है, दो स्तंभ है, दो ही पंक्ति है, तो आगे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या दो होनी चाहिए, स्तंभ कितने ही हो उसमें। जैसे हमने आगे वाली मैट्रिक्स ले ली स्टूडेंट्स, 2 × 2 क्रम ले, 9 4 6 7, 9 4 6 7, इसने 2 × 2 क्रम का ही दे रखा है, ये बुक में एक एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ए और ये वाला बी है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन संभव है स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले का क्रम ये है तथा दूसरे का क्रम भी क्या स्टूडेंट्स, ये वाला। तो इसका मतलब है पहले का स्तंभ दो है, दूसरी की पंक्ति कितनी है, दो है, तो इनका क्या है गुणनफल संभव है, बराबर है। तो इस नई मैट्रिक्स का जो क्रम मिलेगा, सी मिलेगी हमें नई मैट्रिक्स, उसका क्रम होगा 2 × 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लीकेशन करना कैसे है वो देखिए, तो ए गुणा बी हमें ज्ञात करना है, पहले ए लिखेंगे 3 2 5 1, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन। आगे वाला 9 4 6 7, मल्टीप्लीकेशन देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा। जैसे पहली पंक्ति ले रहे हैं, एलिमेंट्स होंगे इसमें चार ही, दो पंक्ति और दो स्तंभ बनेंगे, तो पहली पंक्ति के जो अवयव आएंगे वो कैसे आएंगे, जैसे ये क्या है पहली मैट्रिसेज की पहली पंक्ति है और ये वाली दूसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति को मल्टीप्लीकेशन होगा पहले स्तंभ से, मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस का साइन आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन, दोनों ऐड होंगे तो इसका पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे, ए क्रॉस बी का जो मान आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन होकर ऐड होने के बाद इसका पहला एलिमेंट बनेगा, पहली पंक्ति है दूसरी का पहला स्तंभ, तो क्या है 3 × 9 कितना हो गया स्टूडेंट 27, प्लस अब 2 × 6 हो गया 12, पहला एलिमेंट बन गया इसका। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका दूसरा एलिमेंट बनेगा 3 × 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 12, प्लस 2 × 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स 14, दोनों पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट पहली पंक्ति आ गया हमारे पास। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
तो 5 × 9 कितना होगा स्टूडेंट्स, 45। फिर 1 × 6 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ, तो 5 × 9 45, फिर 1 × 6 प्लस का 6। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 × 4 कितना स्टूडेंट्स, 20। 5 × 4 20, 1 × 7 7। ये वाला ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, एक आधा और करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति है, पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहली पंक्ति को मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले स्तंभ से, पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, दोनों ऐड होने के बाद नई जो मैट्रिसेस बनेंगे उसका पहला अवयव होगा। अब पहली पंक्ति है दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ दोनों को ऐड करेंगे तो इसका दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 2, ये हो गया 39। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हो गया 26, ये वाला हो जाएगा 151 और ये वाला 27। तो ये वाली जो मैट्रिसेस बनी है सी इक्वल टू 39, 26, 51, 27। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है दो एलिमेंट्स का, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा स्टूडेंट्स जब हमारे पास एक मैट्रिसेस के स्तंभों की संख्या पहली मैट्रिसेस के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिसेस के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। और नई मैट्रिसेस का जो क्रम होगा स्टूडेंट, जो पहली की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ, वो नया क्रम बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और एग्जांपल्स है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना कोई भी आप ऐसे ले सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ना स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम और ले रहे हैं, जैसे हमने लिया इधर 3 × 2 क्रम का कोई मैट्रिक्स ले लिया, 3 × 2 क्रम है हमारे पास ए, तो ए इक्वल टू 3 पंक्ति 2 स्तंभ, तो पंक्तियाँ 3 बनानी है, 3 7 2 1 6 0 ये वाला 3 पंक्ति है और 2 क्या है स्टूडेंट्स, तो हमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला तीसरी पंक्ति एक मैट्रिक्स ले ली, बी इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, उसमें उसमें स्तंभ जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें पंक्ति है वो इसके स्तंभों के बराबर। तो यहाँ पे मान लिया 2 × 2 क्रम ले लिया, 2 × 2 क्रम, जैसे 2 0 1 2 ले लिया, ये वाला ले लिया हमने 2 × 2, तो इनका क्या स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है क्योंकि यहाँ पे 3 × 2 है बराबर 2 × 2 है, इनके क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नई का क्रम होगा 3 × 2, मतलब 3 पंक्ति होगी, 2 क्या होंगे उसमें स्तंभ है। तो करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन, ए बराबर है हमारे पास ए बी फाइंड करना है, यह है 3 7 2 1 6 0, ये पहला है स्टूडेंट्स, क्या क्रम है 3 × 2, गुणा करना है आगे वाला 2 0 2 0 1 2, 2 × क्या स्टूडेंट 2 है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, 3 × 2 कितना है स्टूडेंट 6, फिर 7 × 1 कितना स्टूडेंट्स 7। ठीक है, इसका पहला एलिमेंट बन गया, अब 3 × यहाँ से कितना आएगा, 3 × 0 0 7 × 2 14 या 0 + 14। ठीक है स्टूडेंट्स, स्तंभ कितने होंगे, नए का क्रम होगा 3 × 2, तो 2 स्तंभ 3 पंक्ति। अब दूसरे स्टूडेंट्स 2 × 1 है, दूसरी पंक्ति पहले पहला स्तंभ आएगा फिर दूसरा स्तंभ, तो 2 × 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 1 × 1 1 आएगा, फिर 2 × अब दूसरा स्तंभ लेना पड़ेगा, 2 × 0 0 1 × 2, तो यहाँ से 0 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आएगा पहले, 6 × 2 कितना आएगा स्टूडेंट्स 12 प्लस 0 × 1 0, 6 × 0 0 0 × 0, तो ये वाला 0, तो ये वाला बन गया हमारा नया मैट्रिक्स। 6 + 7 कितना आएगा स्टूडेंट्स 13, 0 + 14 14, 5 0 + 2 2, 12 + 0 12, 0 + 0 0, तो ये क्या स्टूडेंट्स 3 × 2 क्रम, 3 पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स और स्तंभ कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 2 स्तंभ हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप के लेक्चर नंबर 7th में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ और एक्सरसाइज 3A करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आप के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ
मल्टी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे और थर्ड बी के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। थर्ड ए हमारा हो गया, बी के क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मैट्रिसेस के।